Hey guys, subscribe to Shama's Corner and don't forget to press the bell icon for the latest videos and updates. सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो लैक्मे का 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना राइट शेड नहीं पता है कि उनका राइट शेड कौन सा है या उनकी अंडरटोन कौन सी है, उन पर कौन सा शेड जो है वो सूट करेगा। तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल देने वाली हूं आपको कौन सा शेड जो है परफेक्टली मैच करेगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मैं लास्ट में आपको अपना अंडरटोन विथ पिक्चर के साथ मैं शेयर करूंगी और मैं सारी चीज़ें आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको भी अपना जो शेड नहीं पता है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना जो अंडरटोन है, अपना जो फाउंडेशन शेड है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है गाइस। तो फ्रेंड्स, इस लैक्मे 9 to 5 प्राइम प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन के 16 शेड्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और ये सारी शेड्स जो है वो इंडियन स्किन टोन्स के लिए बनाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी शेड्स के बारे में जानते हैं और मैं आपको इन सभी 16 शेड्स को एक्सप्लेन करूँगी, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि स्किन टोन जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टोन क्या होते हैं। कोई फेयर स्किन टोन का होता है, कोई लाइट स्किन टोन का होता है, किसी की स्किन टोन मीडियम होती है, कोई लाइट मीडियम टोन का होता है, किसी की स्किन जो होती है वो डार्क होती है। तो जो लैक्मे का ये फाउंडेशन, इन्होंने सभी स्किन टोन को, इंडियन स्किन टोन्स को स्पेशली ध्यान में रख करके बनाया है। तो चलिए आप जानते हैं अंडरटोन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अंडरटोन्स होती हैं, वार्म, न्यूट्रल एंड कूल अंडरटोन। तो जो वार्म अंडरटोन होती है, वो जो उसमें जो स्किन होती है वो थोड़ी येलो एंड गोल्डन टोन में होती है। जो न्यूट्रल अंडरटोन होती है, वो बैलेंस ऑफ येलो एंड पिंक टोन उसमें होता है, मतलब उसमें बैलेंस होती है, मतलब येलो टोन और जो पिंक अंडरटोन है वो थोड़ा सा बैलेंस होता है। और जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं, वो थोड़े से पिंक और रेड टोन के होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम अंडरटोन अपना पहचाने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन पिंक है कि येलो है कि न्यूट्रल अंडरटोन की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसे आपको क्या करना है, अपनी वेन्स को चेक करना है, अपने हाथ की नस को देखना है। अगर वो ब्लू या पर्पल कलर की है नेचुरल लाइट में, तो आप कूल यानी कि पिंक अंडरटोन की है। और अगर आपके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप कूल यानी कि पिंक अंडरटोन की है। और आपकी स्किन थोड़ी सी पिंकिश टाइप की होगी, तो आप यानी कि कूल अंडरटोन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस लैक्मे 9 to 5 प्राइम प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन के सारे शेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे फेयर टोन के लिए जो शेड है कूल अंडरटोन में, वो है फेयर प्लस पिंक में C100 कूल आइवरी। सो फ्रेंड्स, अंडरटोन के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उसका एक वीडियो बना करके मैं बहुत पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं येलो अंडरटोन वालों की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो अंडरटोन है वो येलो है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, अपने हाथ की वेन्स को देखिएगा। अगर वो थोड़ी सी ग्रीन या ऑलिव है नेचुरल लाइट में, तो आप येलो अंडरटोन की है। और अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप येलो अंडरटोन की। और अगर आपकी स्किन स्लाइटली येलो है, तो आप येलो अंडरटोन की है। सो फ्रेंड्स, अगर आप फेयर हैं और येलो अंडरटोन में आते हैं, सो यू कैन गो फॉर W120 वार्म क्रीम। सो फ्रेंड्स, इस शेड का जो रिव्यू है वार्म क्रीम का, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर आपको मेरा वाला वीडियो देखना है, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर के चेक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने फेयर स्किन टोन में न्यूट्रल अंडरटोन के लिए कोई भी फाउंडेशन लॉन्च नहीं किया। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो फेयर से थोड़ा सा लाइट होते हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा लाइट स्किन टोन के हैं और उनका पिंक अंडरटोन है, सो यू कैन गो फॉर C140 कूल रोज। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप फेयर से लाइट हैं और येलो अंडरटोन में आते हैं, सो यू कैन गो फॉर W180 वार्म नेचुरल। अगेन, अगर आप लाइट हैं और अगर आप येलो अंडरटोन में आते हैं, तो आप जा सकते हैं W160 वार्म सैंड के साथ। और चेक करने का तरीका सब एक ही सा है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर फ्रेंड्स आप फेयर से वन शेड लाइटर हैं और आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं, सो यू कैन गो फॉर N200 न्यूट्रल न्यूड। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आपका स्किन टोन न्यूट्रल है, आप ये पहचानेंगे कैसे। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथ की वेन्स को देखेंगे, अपने हाथ की नस को देखेंगे। और अगर वो ब्लू और ग्रीन दोनों ही कलर की दिख रही हैं, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हैं। एंड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी लुक्स ग्रेट ऑन यू, इट मीन्स यू आर न्यूट्रल अंडरटोन।
and skin has an equal balance of warm and cool. It means you are neutral tone. So अब बात करते हैं medium skin tone वालों की. फ्रेंड्स सबसे पहले फेयर आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट शेड आता है, उसके बाद आता है मीडियम स्किन टोन वाले. तो अगर आप भी मीडियम स्किन टोन के हैं और आपका पिंक अंडरटोन है तो आप C280 कूल एन के साथ जा सकते हैं. फ्रेंड्स अब बात करते हैं मीडियम स्किन टोन में जो येलो अंडरटोन वाले होते हैं तो वो W240 वार्म बीच के साथ जा सकते हैं. सो फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं मीडियम प्लस न्यूट्रल अंडरटोन वाले. सो यू कैन गो फॉर N220 न्यूट्रल मीडियम एंड मीडियम प्लस न्यूट्रल अंडरटोन यू कैन ऑल्सो गो फॉर N260 न्यूट्रल हनी. सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मीडियम प्लस डार्क स्किन टोन वालों की. तो जिनका भी स्किन टोन मीडियम डार्क है और पिंक अंडरटोन में आते हैं तो वो C300 कूल सिनेमन के साथ जा सकते हैं. इसके बाद अगर आप मीडियम डार्क हैं और आप येलो अंडरटोन में आते हैं सो यू कैन गो फॉर W320 वार्म कैरमल. सो फ्रेंड अब बात करते हैं मीडियम डार्क प्लस न्यूट्रल अंडरटोन वालों के लिए. सो आप N340 न्यूट्रल आलमंड के साथ जा सकते हैं. सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डार्क स्किन टोन वालों की. तो अगर आपकी स्किन डार्क है और आप पिंक अंडरटोन में आते हैं सो यू कैन गो फॉर C380 कूल वॉलनट. सो फ्रेंड्स अगेन आप डीप डार्क एंड पिंक अंडरटोन में आते हैं सो यू कैन गो फॉर C390 कूल कोकोआ. कूल कोकोआ जो इस फाउंडेशन शेड का सबसे डार्केस्ट शेड है. सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डार्क प्लस न्यूट्रल अंडरटोन वालों की. सो यू कैन गो फॉर N360 न्यूट्रल चेस्टनट. सो फ्रेंड्स ये थे लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्टर फाउंडेशन के 16 शेड एंड मैंने सभी 16 शेड को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स एंड होप कि आपको ये जो वीडियो है मेरा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए. सो फ्रेंड्स ये रहा मेरा अंडरटोन. मैं न्यूट्रल अंडरटोन में आती हूँ एंड जो मेरी विंस है वो थोड़ी सी ग्रीन एंड ब्लू कलर की है एज यू कैन सी. सो या फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकूँ. तो आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस.